अमित शाह अमित गोपाल सिंह अपने कुछ साथियों के साथ भाजपा ज्वाइन कर लेंगे घोषी चुनाव के बाद। अब शिवपाल यादव जी राजनीति के बहुत माहिर और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, राजनीतिक भी हैं, नेता भी हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं। किसी के हवा में बयान देने से ना तो शिवपाल यादव जी की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है, ना समाजवादी पार्टी को कोई चिंता होने वाली है, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को शिवपाल यादव जी पर भरोसा भी है और ऐसे दमदार नेता के प्रति सबकी सबका अपना व्यक्तिगत लगाव भी है, तो स्वाभाविक रूप से वो समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर बड़े नेता हैं, उनके विषय में इस प्रकार का हल्का बयान देना हम समझते हैं घटिया मानसिकता के लोगों की घोषी चुनाव दिल की उपज है। घोषी चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उसका परिणाम बहुत जल्द चुनाव होने वाला। देखिए, पहले भी समाजवादी पार्टी ने वहाँ विजय परचम लहराया था, उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी वहाँ जीत हासिल करेगी। अमित शाह ने कहा है कि इंडिया जो बना है वो सनातन गठबंधन सनातन धर्म के विपक्ष में विरोध में है। अब चूंकि वो देश के गृह मंत्री हैं, इसलिए कोई आवश्यक नहीं कि जो कुछ भी बोले वही सही है। और अगर उन्होंने एनडीए गठबंधन बनाया था, किससे पूछी बनाया था? विपक्षी पार्टियों ने अगर इंडिया गठबंधन बनाया है तो क्या माननीय गृह मंत्री भारत सरकार की उस पर मुहर लगवानी जरूरी है क्या? क्या भाजपा से पूछ के हम अपना गठबंधन बनाएंगे क्या? भाजपा हमारी सलाहकार नहीं है और भाजपा के सलाह पर हम अपना कोई राजनीतिक फैसला नहीं करते हैं। सारी विपक्षी पार्टियों की आम सहमति से इंडिया गठबंधन बना है और जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भाजपा की हवा खराब है। आज हताशा निराशा के दौर से गुजर रहे हैं और यही कारण है कि हताशा निराशा की शिकार भाजपा इस प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है और तरह तरह के तंज इंडिया तथा विपक्षी पार्टियों पर लगा रहे हैं। वो जितना तंज कसेंगे, जितना इंडिया के खिलाफ बोलेंगे, इंडिया गुणात्मक ढंग से और मजबूती के साथ भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए आगे बढ़ेगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।